Hello everyone, how are you doing? Today we are going to learn a very important topic for our examination, which is reproduction in protozoa. This is Neha Srivastav and you are watching Study with Neha Srivastav SNS. Protozoa reproduce in many ways, that is asexual reproduction, parthenogenesis, plasmogamy and regeneration. Asexual reproduction does not involve fusion of gametes, that is asexual reproduction mein fusion of gametes nahi hota hai. In asexual reproduction does not change in the number of chromosomes. Asexual reproduction mein chromosomes ka change nahi hota hai. This is a mode of reproduction in which the offsprings come from a single organism. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं विदाउट यूनियन ऑफ एनी गैमेट्स, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. ओके, इन नेक्स्ट है आपका इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट्स ऐसे आते हैं और उनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है और इनमें कुछ प्रोटोजोअन्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इससे ये अपना जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं और इस टाइप से यूनियन होता है और इस टाइप के यूनियन को कॉन्जुगेशन कहते हैं. In asexual reproduction does not involve a fusion of gametes. यानी कि asexual reproduction में क्या होता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. इसका मतलब है कि इसमें यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. इट इज डजंट चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं कम्स फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिजम्स. And not from union of gametes. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है उससे ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स यूनियन ऑफ गैमेट्स से नहीं बनते हैं as it is in sexual reproduction. ओके, अंडरस्टैंड. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, यानी कि जो यूनियन ऑफ गैमेट्स से इंडिविजुअल्स नहीं बनते, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते हैं, इनमें कोई भी क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग्स सिंगल ऑर्गेनिज्म से डेवलप होते हैं और इनमें यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमेट्स पाया जाता है. In sexual reproduction, offsprings comes from union or fusion of gametes. Offsprings comes from fusion of gametes.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग गैमेट्स के फ्यूजन से आते हैं और इनमें क्या होता है, जो दो गैमेट्स या दो से ज्यादा गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, यानी कि इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्जुगेशन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, टू इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें आउटग्रोथ होती है और आउटग्रोथ से वो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में अपना जेनेटिक मटीरियल, दैट इज हेरिडिटरी मटीरियल को ट्रांसफर करते हैं। इन कॉन्जुगेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय टू इंडिविजुअल सेल्स, एंड देन यूनाइटेड बाय ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और ट्यूब से यूनाइट हो जाएगा, एंड देन जेनेटिक मेटीरियल फ्रॉम वन सेल पासेस थ्रू द ट्यूब into the another cell. Okay, so sexual reproduction में offspring gametes के fusion से बनते हैं, that is union of gametes से बनते हैं। That is, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है टू इंडिविजुअल सेल से, और उसके बाद में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में यूनाइट होकर के एक इंडिविजुअल सेल्स के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जेनेटिक मटीरियल दूसरे इंडिविजुअल सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। Parthenogenesis. What is parthenogenesis? Parthenogenesis is also a type of reproduction which is found in protozoans. Parthenogenesis में क्या होता है? ऐसे gametes, उनमें parthenogenesis होती है, उन gametes में parthenogenesis होती है जिनमें cross fertilization नहीं हो पाता है, यानी कि ऐसे gametes जिनमें cross fertilization नहीं हो पाता है वो अपने आप को develop करते हैं by parthenogenesis, या parthenogenetically they develop themselves, and ऐसे gametes उनमें सिनगैमी नहीं हो पाती है, वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को डेवलप करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। पार्थेनोजेनेसिस ऐसे गैमेट्स जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, ऐसे प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे गैमेट्स जिनमें सिनगैमी नहीं हो पाता है उनका डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी कि ऐसे गैमेट्स जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इनमें सिनगैमी नहीं होती है और ये डेवलप करते हैं डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ
पार्थेनो जेनेसिस, ठीक है। ऐसे गैमेट्स जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वे अपने आप को अपने आपको डेवलप करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। ऐसे गैमेट्स जिनमें सिंगैमी नहीं होता है, वो अपने आप को पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है ये, प्लाज्मोगैमी में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स फ्यूज होते हैं बाय साइटोप्लाज्म, और उससे प्लाज्मोडियम बनाते हैं फ्यूज करके, और इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। टू और मोर इंडिविजुअल्स फ्यूज बाय देयर साइटोप्लाज्म टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। एंड व्हाट इज रीजेनरेशन? रीजेनरेशन, कुछ प्रोटोजोअन्स में टेंडेंसी होती है कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेते हैं, और रीजेनरेशन के प्रोसेस में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजेनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, रीजेनरेशन, इस टाइप का रीजेनरेशन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स में ज्यादा पाया गया। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स शोज रीजेनरेशन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग्स उनके सिंगल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आते हैं, उनमें यूनियन ऑफ गैमेट्स के थ्रू जाइगोट नहीं बनता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग्स कम फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, और उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है टू इंडिविजुअल से कॉन्जुगेशन में, जिसमें ये इंडिविजुअल अपने ट्यूब से यूनाइट करते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कॉन्जुगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस ऐसे गैमेट्स में होता है जिनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर जिनमें सिंगैमी नहीं हो पाती है। ऐसे गैमेट्स खुद को पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। प्लाज्मोगैमी, ऐसे गैमेट्स अपने या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू फ्यूज होते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू फ्यूज
फ्यूज होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं। इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। रीजेनरेशन पैरासिटिक प्रोटोजोम्स में स्लाइटली रीजेनरेशन प्रोसेस स्लो शो होती है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रोसेस में रीजेनरेशन के प्रोसेस में प्रोटोजोम्स अपने जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उनको दोबारा से रीजेनरेट कर लेते हैं। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारे टाइप्स का होता है। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली टू डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है या फिर टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। इसमें एक इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। इसमें एक इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। डिवीजन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही नहीं होता है, इसमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक इंडिविजुअल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स में। इसमें बाइनरी फ्यूजन में फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ इसमें माइटोसिस की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, माइटोसिस की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जिसमें एक सिंगल सेल टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सिंगल सेल divides into two identical daughter cells. ओके, सो बाइनरी फ्यूजन में एक इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है। इसमें माइटोसिस की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ, और इसमें माइटोसिस की प्रोसेस में एक सिंगल सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि पहले क्या होगा, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस पहले होगी और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। कैरियन का क्या मतलब होता है, कैरियन इज कैरियन रिफर्स टू द न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। यानी कि बाइनरी फ्यूजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे कि देखिए, इसमें अमीबा में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इलोंगेशन है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। तो ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई और उसके बाद में जाकर के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, सो बाइनरी फ्यूजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। बाइनरी फ्यूजन फोर टाइप्स का होता है,
बाइनरी फिजन फोर टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका ट्रांसवर्स फिजन, इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स फ्यूजन में इंडिविजुअल ट्रांसवर्स प्लेन में डिवाइड होगा। फ्यूजन या तो ट्रांसवर्स होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फ्यूजन होता है। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। अगर इंडिविजुअल में फिजन लॉन्गिट्यूडनली होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा, तो उसको उस टाइप के बाइनरी फिजन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। और इस टाइप का फिजन यूग्लिना में देखा जाता है। थर्ड है ऑब्लिक फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। फिजन या तो अगर फिजन बाइनरी प्लेन में होता है तो उसे ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहते हैं। अगर फिजन ऑब्लिक प्लेन में होता है तो उसे ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहते हैं, जैसे कि सेराटियम में देखा गया है। अगर फिजन किसी भी प्लेन में होता है, इरेगुलर फिजन, अगर फिजन इंडिविजुअल के किसी भी प्लेन से होता है तो उसे हम इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ओके, सो बाइनरी फिजन फोर टाइप्स का होता है। ट्रांसवर्स फिजन जैसे कि पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल फिजन जैसे कि यूग्लिना, एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इसमें इंडिविजुअल ऑब्लिक प्लेन के थ्रू बाइनरी फिजन होता है इंडिविजुअल में, जैसे कि सेराटियम। इरेगुलर फिजन, इसमें इंडिविजुअल की बॉडी किसी भी प्लेन के थ्रू बाइनरी फिजन करती है, जैसे कि अमीबा। पैरामीशियम में देखा गया है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में देखा गया है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, और सेराटियम में ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है। सेराटियम में ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि किसी भी प्लेन से बाइनरी फ्यूजन होगा, और अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, उन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में पैरेंट सेल के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि इसमें सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। पैरेंट सेल के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के टाइम पे डिवाइड होती है। ये जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो डिवीजन के टाइम पे ही डिवाइड होती है। जबकि कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे कि ओरल अपर्चर, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के टाइम पे डिवाइड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एट द टाइम ऑफ डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के टाइम पे डिवाइड होती है, और ओरल एपरेटस, फ्लैजेला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये सब ऑर्गेनेल्स, ये सारी ऑर्गेनेल्स डॉटर सेल्स में बनती हैं। ठीक है, ओरल apparatus, flagella and contractile vacuoles are formed in daughter nuclei, daughter
सेल्स, ये डॉटर सेल्स में फॉर्म होती हैं, ओके। प्लाज्मोटोमी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन, टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट पेरेंट प्रोटोजोअन इंडिविजुअल होता है वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और उनसे टू या फिर टू से ज्यादा, टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनती हैं, डॉटर इंडिविजुअल्स बनती हैं और वो भी मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स बनती हैं। यानी कि प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, पेरेंट प्रोटोजोअन इंडिविजुअल से जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, पेरेंट प्रोटोजोअन इंडिविजुअल से टू या फिर मोर देन टू मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स बनती हैं, इस प्रोसेस को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। बडिंग थर्ड है आपका, थर्ड टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है और साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है, साइटोप्लाज्म के पोर्शन का सेपरेशन होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होता है जिससे टू न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, टू न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेपरेशन हुआ, इसमें न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया और बाद में ये बर्ड एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रोथ कर गया, ठीक है। तो इस टाइप से पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है, साइटोप्लाज्म के कुछ पोर्शन का सेपरेशन होता है, उससे नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। इस टाइप की प्रोसेस को, इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। बडिंग या तो सिंपल होती है या फिर मल्टीपल बडिंग हो सकती है। बडिंग या तो सिंपल होगी या फिर मल्टीपल बडिंग होगी। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बर्ड्स आएंगे और बडिंग एंडोजिनस होती है या फिर एक्सोजिनस होती है। बडिंग टू टाइप्स में हो सकती है, या फिर एंडोजिनस या फिर एक्सो जिनस। एंडोजिनस का मतलब है आपका पेरेंट सेल की बॉडी के अंदर बडिंग होगी। किसके अंदर होगी, इनसाइड द पेरेंट सेल। एक्सोजिनस बडिंग मतलब आउटसाइड द पेरेंट सेल। सर्टोरियंस, नॉक्टिलुका आर द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें इरेगुलर फ्यूजन होता है। क्या होता है बडिंग के प्रोसेस में, इरेगुलर फ्यूजन होता है इंडिविजुअल्स का, और इसमें इरेगुलर फ्यूजन होता है इंडिविजुअल्स का, इसमें डॉटर, स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं, स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ बड। बड के फॉर्म में स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं बडिंग में।
इफेलोटा में मल्टीपल बडिंग देखी गई है। ये एक प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू ये बड्स लाइक बड्स स्ट्रक्चर बन गए हैं और ये बड ब्रेक ऑफ हो जाती है और फुल साइज में ग्रो करती है। ये प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी इसमें ये पेरेंट ये पेरेंट इंडिविजुअल है, मल्टी न्यूक्लियेट पेरेंट इंडिविजुअल है, इससे टू मल्टी न्यूक्लियेट डॉटर इंडिविजुअल्स बन गई है। प्लियोमिक्सा में ये एग्जाम्पल देखा गया है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स में ये फिजन पाया गया है, जैसे कि प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या है, ये मैलेरियल पैरासाइट है। क्या है ये, मलेरिया कॉज करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं ये प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस में भी मल्टीपल फ्यूजन पाया गया है। इसमें न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो पेरेंट सेल है उसके न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता है और उसके बाद जब न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता है तो जो वो ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। उस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, न्यूक्लियाई हो जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। देन आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करता है जितना न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं डिवाइड होकर के ऑर्गेनिज्म में, साइटोप्लाज्म उतने ही पार्ट्स में डिवाइड होता है और न्यूक्लियाई के डिवाइड होकर के साइटोप्लाज्म न्यूक्लियाई के चारों तरफ से उसे घेर लेता है, चारों तरफ से फ्रैगमेंट्स बना लेता है। इस तरह से पेरेंट सेल से बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी कहते हैं। मल्टीपल फिजन को स्पोरुलेशन भी कहते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस कि पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा, या तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। ओके, सो पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा या तो वो बाइनरी फ्यूजन से होगा जैसे कि साइटोप्लाज्म में होता है, या फिर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होगा। जैसे कि एग्रीगेटा में देखा गया है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टी न्यूक्लियेट हो जाती है। जब ये जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है तो बॉडी मल्टी न्यूक्लियेट हो जाती है। फिर कुछ साइटोप्लाज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म में रह जाते हैं। फिर जब ये मल्टी न्यूक्लियेट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो करके सारे न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाता है, तो ये काफी सारे इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इनसे मल्टी डॉटर सेल्स बनती हैं और ये डॉटर सेल्स बनने के बाद इस इंडिविजुअल में कुछ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म बचा रह जाता है और इस टाइप का डिवीजन यानी कि मल्टीपल डिवीजन देखा गया है। फोरामिनिफेरा रेडियोलारिया में,
स्पोरोजोआ में अनसर्टेन मैस्टिगोफोरा में। ओके नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ वूमेन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूमरस डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमरस बाय न्यूक्लियो डिवीजन न्यूमरस डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और हर बर्ड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइजोगैमी में न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूमरस डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं और साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और इस टाइप से हर बर्ड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इन्हीं बर्ड से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं बर्ड से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडियम में मीरोजोइट्स और सैप्रोजोइट्स का फॉर्मेशन भी साइजोगोनी से होता है। कौन सी प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज? मीरोजोइट्स एंड स्पोरोजोइट्स stages of plasmodium. मीरोजोइट्स और स्पोरोजोइट्स स्टेजेस प्लाज्मोडियम की जो मीरोजोइट्स और स्पोरोजोइट्स स्टेजेस होती हैं उनका फॉर्मेशन साइजोगोनी से ही होता है। जो स्पोरोजोइट स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर ह्यूमन बींग्स इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन ऑफ मलेरियल पैरासाइट। स्पोरोजोइट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ओके मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में गैमेटोसाइट्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो फिर साइजोगोनी से ही होता है। जो मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है गैमेटोसाइट्स के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है वो साइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू ही होता है और इसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो गैमेटोसाइट से होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम गैमेटोसाइट्स। हमने बाइनरी फिजन पढ़ लिया, हमने प्लाज्मोडोमी पढ़ लिया, बडिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, मल्टीपल फिजन हमने पढ़ लिया, साइजोगोनी पढ़ लिया, इंडो इंडो डायोजेनिक
स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पर, इंडो डायोजेनी, इंडो डायोजेनी। इंडो डायोजेनी में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट से टू डॉटर इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है, सिंगल पेरेंट से टू डॉटर इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मिया। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स comes from fusion or union of gametes। ठीक है, इसमें offsprings या फिर daughter individuals fusion union gametes के union या फिर fusion से daughter individuals का formation होता है। इसमें cytoplasmic division होता है, इसमें क्रोमोसोम्स का चेंज भी होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इसमें चेंज होते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है आपका सिंगैमी। सिंगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और गैमेट्स, जिससे कि जायगोट का फॉर्म होता है। सिंगैमी क्या है? कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट। किसको बनाने के लिए? जायगोट को बनाने के लिए फ्यूजन होता है टू सेल्स का, या फिर टू गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यूनियन होता है टू गैमेट्स का, और उससे क्या बनता है? जायगोट बनता है। फ्यूजन जो फ्यूजन न्यूक्लियाई होता है, इसमें फ्यूजन न्यूक्लियस होता है जायगोट का, उसको कहते हैं सिनकैरियन। फ्यूजन न्यूक्लियस ऑफ जायगोट इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। जो जायगोट का फ्यूजन न्यूक्लियस होता है उसको हम सिनकैरियन कहते हैं, उसे सिनकैरियन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो गैमेट्स होते हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि सिनगैमी किस कौन, मतलब सिनगैमी के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी कि सिनगैमी कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है वो डिसाइड करता है गैमेट्स का नेचर, यानी कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं उनका नेचर ये डिसाइड करता है कि सिनगैमी कितने टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, सिनगैमी इज ऑफ वेरियस टाइप्स। ओके, तो काफी सारे टाइप्स में सिनगैमी होती है, उनका डिसाइड करते हैं कि किस किस तरह से गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वो डिसाइड करते हैं कि सिनगैमी कौन कौन से टाइप्स में होती है। बेसिकली सिनगैमी फोर टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ सिनगैमी। फर्स्ट है
होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है कि दो मैच्योर क्रोमोसोम इंडिविजुअल्स गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन खुद ही गैमेट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। बिहेव लाइक गैमेट्स, बिहेव लाइक गैमेट्स, और ये आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। और इस टाइप के सिंगैमी को हम बोलते हैं होलोगैमी। और इसके एग्जांपल्स हैं सार्कोडिना, मैस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेट्स एंड कोप्रोमोनास। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होलोगैमी। नेक्स्ट है आपका आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं उनका शेप और साइज सिमिलर होता है, लेकिन वो बिहेवियरली डिफरेंट होते हैं। उनका शेप और साइज सिमिलर होता है, वो डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि या तो मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे। और इस टाइप के गैमेट्स में जब फ्यूजन होता है, जब यूनियन होता है, तो इस टाइप के यूनियन को, इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंगैमी को हम बोलते हैं आइसोगैमी। और ये आइसोगैमी जनरली मल्टीपल फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस होते हैं? जनरली मल्टीपल फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं, आइसोगैमी के एग्जांपल्स हैं एफिलियम, जो कि फोरामिनिफेरम है, और मोनोसिस्टिस। ग्रेगेरिया, ये ग्रेगेरिया एंड फाइटो मोनेडिडा, इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ओके, थर्ड टाइप का है आपका सिंगैमी। थर्ड टाइप का सिंगैमी है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी इस टाइप के सिंगैमी में, इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट्स होते हैं उनका शेप एंड साइज भी, शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, और बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। और इस टाइप के गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो ये प्रोसेस कहलाती है एन आइसोगैमी। फ्यूजन ऑफ एन आइसो गैमेट्स इज कॉल्ड एन आइसोगैमी। यानी कि ऐसे गैमेट्स जिनका शेप और साइज डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उन गैमेट्स को हम बोलते हैं एन आइसोगैमेट्स। और इस टाइप के जब गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करके न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, वन और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में जो मोटाइल, एन आइसोगैमी में मोटाइल एंड स्मॉल गैमेट्स जो होते हैं ना, वो मेल होते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेट्स। एंड जो
non-motile and large gametes होते हैं, वो फीमेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्रो गैमेट्स। और इन दो टाइप के गैमेट्स के फ्यूजन को हम बोलते हैं एन आइसोगैमी। और इस टाइप का जो फ्यूजन होता है उसके एग्जांपल्स हैं स्पोरोजोआ, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, फाइटोमोनाडिडा, इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। एंड फोर्थ सिनगैमी का टाइप है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम पेरेंट सेल से दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, और इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑटोगैमी कहते हैं कि सेम पेरेंट सेल, एक ही पेरेंट सेल में दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑटोगैमी कहते हैं। तो एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी example of autogamy type of sexual reproduction is actinophores and actinosphaerium. नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में टू इंडिविजुअल्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, और ये सीलिएट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। ये सीलिएट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो सीलिएट्स इंडिविजुअल कपल्स टेम्परेरी अपने बकल कैविटी या फिर ओरल एपरेटस के थ्रू, ओरल रीजन के थ्रू कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि फ्यूज होते हैं, और इनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। कॉन्जुगेशन में two ciliates individuals couple temporarily during meiosis in conjugation two ciliates individuals couple temporarily during meiosis. Meiosis के दौरान में temporary coupling होती है two individuals में, और इन individuals को हम क्या बोलते हैं, conjugants. इन individuals को जिनके बीच में coupling हो रही है उनको हम बोलते हैं conjugants, और इनका union होता है oral और buccal region के through. Union through oral or buccal region. तो conjugation में दो individuals का fusion होता है, और ये characteristic है ciliates का. Conjugation में दो ciliates individuals temporarily coupling करते हैं, और meiosis के दौरान इनमें टेम्पररी कपलिंग होती है. इन इंडिविजुअल्स को कॉन्जुगेंट्स कहते हैं, और इनमें यूनियन होता है बकल रीजन और या फिर ओरल रीजन के थ्रू इनमें यूनियन होता है.
और ये बक्कल मेसन के थ्रू टेम्परेरी जुड़ जाते हैं। एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं कॉन्जुगेशन को, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब है बोथ, मिक्सिस यानी कि दोनों का मिक्स हो जाना, जो कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेंट्स मिक्स होकर के यूनाइट होकर के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कॉन्जुगेशन में जो एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, उसके बाद में ये कॉन्जुगेंट्स अलग हो जाते हैं और टू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन की जो मेन प्रोसेस है वो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, कॉन्जुगेशन में मेन प्रोसेस होती है हेरिडिटरी मटेरियल का ट्रांसफर होना। मटेरियल का ट्रांसफर यानी या फिर एक्सचेंज होना, यानी कि कॉन्जुगेशन में टू इंडिविजुअल्स का फ्यूजन होता है। ये इंडिविजुअल्स टेम्परेरी मियोसिस के थ्रू कपल करते हैं। मियोसिस के थ्रू कपल करते हैं और इनमें कपल करने के बाद इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें। और इसके बाद सिनगैमी की प्रोसेस होती है और हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस इसमें बन जाते हैं। सिनगैमी की प्रोसेस में मियोसिस में इनमें क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और सिनगैमी की प्रोसेस के बाद डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं और इससे डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस। थर्ड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका ऑटोगैमी, ओनली वन। इज इन्वॉल्व जो कि डिस्प्ले करता है वैसा ही न्यूक्लियर बिहेवियर जैसा कि कॉन्जुगेशन में शो होता है। इन्वॉल्व विच डिस्प्लेस द सेम न्यूक्लियर बिहेवियर एज इन कॉन्जुगेशन, ओके। और इस ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है ऑटोगैमी पैरामिशियम और एलिया में देखा गया है। नेक्स्ट टाइप है आपका साइटोगैमी। साइटोगैमी में इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के बीच में होती है। प्रोसेस कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के बीच में होती है, ये प्रोसेस कॉन्जुगेशन एंड ऑटोगैमी के बीच में होती है। इसमें दो इंडिविजुअल्स पेयर करते हैं लेकिन उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होता है। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ वन इज एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस क्या होता है कि ये न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल प्रोसेस है। क्या है, इंटरनल प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन।
और ये जो एंडोमिक्सिस होता है वो कॉन्जुगेशन से डिफर होता है, डिफरेंट होता है, डिफर फ्रॉम कॉन्जुगेशन। अकर्स ओनली इन सिंगल इंडिविजुअल जिनमें की मियोसिस नहीं होती है, जिसमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई इसमें नहीं होते हैं और ये प्रोसेस पैरामीशियम और एरिया में पाई गई है। इसका एग्जाम्पल इस टाइप का एंडोमिक्सिस होती है, पैरामीशियम और इलियम। नेक्स्ट टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हिमेक्सिस। हिमेक्सिस इन्वॉल्व्स एन एबरेंट बिहेवियर ऑफ मैक्रो न्यूक्लियस इन अ सिंगल इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया पैरामीशियम ऑरेलिया में भी ये पाया गया है। थैंक यू।